नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सन की पायलट में, जिसमें मैं असिस्टेंट लोको पायलट MS राजपूत डिस्कस करता हूं आपके साथ में रेलवे के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। लेकिन एक सेकंड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे इंफो में। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हाँ हाँ, मुझे पता है, मैंने अपने YouTube चैनल का नाम चेंज कर लिया है, क्योंकि YouTube पर रेलवे इन्फो सर्च करते करते तो मैं गणेश गायतोंडे बनकर 188 साल दूर चांद पर चला गया। मुझे खुद का चैनल नहीं मिल रहा, मैं तुम लोगों को क्या ही सजेस्ट कर दूंगा। 188 साल दूर है के 188 किलोमीटर अबे चांद पे है मैं। फिर YouTube वालों ने मुझे समझाया कि बेटा चैनल का नाम कुछ यूनिक रखो, अलग रखो, तब सर्च में आओगे। और फिर क्या था, रख लिया सन की पायलट और आगे सर्च इंजन के टॉप में। कभी कभी लगता है क्या पुनीत भगवान है। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। तो देखो, पिछले वीडियो पर आए तुम्हारे करोड़ों व्यूज और लाखों सब्सक्राइबर को देखकर मेरे दिल दिमाग से बस एक ही बात निकल रही थी, मुझे अपने घर जाना है। और देखो, मैं YouTube से अपने बोरिए बिस्तर समेट कर निकल ही रहा था कि पीछे से मेरे एक सब्सक्राइबर, पूरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे आवाज दी और कमेंट में लिखा कि सर, चेन पुलिंग में क्या होता है, वीडियो बनाकर समझा दो। तो चलिए, पब्लिक की भारी डिमांड पर रेलवे के एक नए टॉपिक पर ज्ञान पेलते हैं, जिसका नाम है चेन पुलिंग। देखो, ट्रेन में होने वाली चेन पुलिंग को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्रेन में ब्रेक कैसे लगते हैं। देखो, ट्रेन के इंजन में एक लगा होता है कंप्रेसर। कंप्रेसर का काम होता है कंप्रेस एयर यानी प्रेशर वाली एयर को प्रोड्यूस करना। ये मेन रिजर्वायर में स्टोर होती है तथा बीपी और एफपी पाइप के थ्रू पूरी की पूरी ट्रेन में पहुंचाई जाती है। इस कंप्रेस एयर का काम होता है कि ये व्हील को ब्रेक ब्लॉक से 5 mm की दूरी पर रखती है। जब भी लोको पायलट को ब्रेक लगाना होता है, वो इस कंप्रेस एयर को एटमोसफियर में रिलीज करता है, जिससे ब्रेक ब्लॉक पहिए के चिपक जाता है और ट्रेन में ब्रेक लग जाते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो। तो देखो, ये वेल्ला पायलट इंजन में चढ़कर हवा बनाएगा, चुनाव वाली नहीं, पाइप में भरने वाली, जो ब्रेक ब्लॉक को पहिए से 5 mm की दूरी पर रखेंगे। जब भी इसके ब्रेक लगाने का मूड होगा, ये उस हवा को निकाल देगा, जिससे ब्रेक ब्लॉक चक्के के चिपक जाएगा और ब्रेक लग जाएंगे। लेकिन ये उस हवा को मुंह से तो भरेगा नहीं, इसलिए ये जाता है पंचर वाले की दुकान पर हवा भरने वाली। बेचने के मूड में हूँ, अगर आपको खरीदना हो तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आपको तो पंचर वाले से कंप्रेसर खरीद कर रेलवे वालों ने इसे लगा दिया अपने इंजन के बॉटम में, जिसका काम है कंप्रेस एयर को प्रोड्यूस करना। यह है बीपी और एफपी पाइप, जिससे कंप्रेस एयर पूरी ट्रेन में जाती है। और इसके लास्ट में लगे होते हैं दो कोक, कई बार कुछ कांडी इन दोनों कोक को खोलकर भाग जाते हैं, जिससे हवा बाहर निकलती रहती है और ट्रेन चल नहीं पाती है। अरे तुम मत कर देना, नहीं तो रेलवे वाले मेरे माथे आ जाएंगे। तो ये लोको पायलट ने ब्रेक लगाने के लिए सबसे पहले ट्रेन के निकाले नोचेस यानी गियर, और उसके बाद में ये अप्लाई करेगा ब्रेक। जैसे ही ये ब्रेक को अप्लाई करेगा, वैसे ही कंप्रेस एयर एटमॉस्फेयर में निकलेगी और जो ब्रेक ब्लॉक है वो चक्के को पकड़ लेगा और लग जाएंगे ब्रेक। तो सवाल उठता है कि ट्रेन का प्रेशर कौन कौन ड्रॉप कर सकता है या ट्रेन में कौन कौन ब्रेक लगा सकता है। सोया हुआ पायलट अगर जग जाए तो, पबजी खेलता हुआ असिस्टेंट लोको पायलट अगर पबजी को छोड़कर अपनी ड्यूटी पर ध्यान दे ले तो, पीछे बैठकर मोटी सैलरी उठाने वाला गार्ड अगर उसके मूड में हो तो, और लास्ट में 125 करोड़ भारतीय जब चाहे जहां चाहे चेन पुलिंग करके ट्रेन को रोक सकते हैं। देखो, जब भी कोई पैसेंजर चेन पुलिंग करता है तो वो लोको पायलट की तरह ही ट्रेन के प्रेशर को ड्रॉप करा देता है, जिससे पूरी ट्रेन में ब्रेक लग जाते हैं। और जनरल डिब्बे में बैठने वाले पैसेंजर ये कलाकारी सबसे ज़्यादा करते हैं। देखो, इमरजेंसी में चेन पुलिंग करना कोई ऑफेंस नहीं है, लेकिन इसकी भी कुछ कंडीशंस होती है, जैसे तुम्हारा नालायक बच्चा स्टेशन पर छूट जाए, किसी दिव्यांगजन ने ट्रेन की टिकट बुक की हो लेकिन वो लेट हो जाए, चोर डाकू लुटेरे आतंकवादी तुम्हारे ट्रेन को लूट लें, या चलती ट्रेन में आग लग जाने पर तुम अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन की चेन खींच सकते हो, लेकिन मोबाइल छूट जाने, गर्लफ्रेंड छूट जाने या सामान छूट जाने के लिए ट्रेन को नहीं रोका जा सकता। तो सवाल उठता है, बिना कारण चेन खींचने पर क्या होगा। देखो, अगर तुम मेरी तरह नॉर्मल पैसेंजर हो तो सिर्फ 1000 रुपये का जुर्माना, लेकिन अगर तुमने पहले से कांड कर रखे हैं यानी तुम हिस्ट्री शीटर हो तो 3 महीने की जेल बिल्कुल फ्री। अगर तुमने ट्रेन की चेन किसी बड़े स्टेशन पर ट्रेन के डिपार्चर से जस्ट पहले खींची है तो तुम्हारे पकड़े जाने और लट पड़ने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती है।
पर इंडिया में एक से बढ़कर एक धुरंधर मौजूद है। किसी बड़े स्टेशन के आने के जस्ट पहले चेन खींचते हैं और आरपीएफ वाले के आने से पहले ही हाथ में चप्पलें लेकर झाड़ियों में चू हो जाते हैं। और जिन ट्रेनों में आरपीएफ वाले नहीं होते उनका तो और भी बुरा हाल है। यहाँ चेन खींचकर पूरा गांव का गांव उतर जाता है। इनको पकड़ने वाला तो दूर, कोई हाथ लगाने वाला भी मौजूद नहीं होता। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।